अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे हम CS 101 के मिड टर्म के लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम वन बाय वन सारे लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं अपने मॉड्यूल नंबर 1 को, और आज हम 1 से लेकर 10 तक जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे, इनको हम कवर करेंगे। और हम साथ साथ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो हमारे पास हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है, ये है हमारे पास कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस हमारे लिए क्या होती है? तो चलिए इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है हार्डवेयर, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में काम बताऊंगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा समझाता जाऊंगा ताकि आप अपने अल्फाज में भी लिखते जाएँ, ठीक है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है ना, ये मुख्तलिफ फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं। अब इनमें क्या चीज़ आती है? इनमें मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है और माउस आता है। बेसिकली आपको पता होगा कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करें, जो भी हम चीज़ लिखते हैं, जिस चीज़ पे भी लिखते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो देखते हैं क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंट्स दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि हदायत होती हैं कंप्यूटर को, जो हम दे रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ हमें आउटपुट करके देनी है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका अक्सर डिफरेंस भी आया होता है कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों की डेफिनेशन भी आ जाती है, और ये MCQs में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इनको याद कर लेना बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग जो हमारा प्रोसेस है ना, वो हम डिज़ाइनिंग और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का ढांचा बनाने के लिए और उसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए, इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे आप कोई भी घर बनाते हो, सबसे पहले उसका इंटू के साथ ढांचा बना लेते हैं, उसके बाद उसे मुख्तलिफ तरह का कलर शेड्स लगा के उसको उसका डिज़ाइन बना लेते हैं। वही चीज़ जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो देखेंगे HTML जैसी चीज़ें आप ढांचा बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, CSS जो होती है वो उसके बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो डिज़ाइनिंग का काम करती है। तो वही चीज़ है कि प्रोग्रामिंग जो है ये ढांचा और ये बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है। नेटवर्क क्या होता है हमारे पास? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, ये जब काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके रिसोर्सेज जो हैं वो हम शेयर कर सकते हैं आपस में। जैसे कि आपके पास अगर एक प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर पड़े हैं, तो आपके 10 के 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के जो कनेक्शन होता है ना मुख्तलिफ डिवाइसेस के बीच में, असल चीज़ है कि जो कनेक्शन होता है, इस चीज़ को हम नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक्स क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजिंग विद द एड ऑफ कंप्यूटर। अब ग्राफिक जो होती है किसी भी चीज़ को उसकी पिक्चर को जनरेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की पिक्चर को बनाना, पिक्चर बनाने के अमल को हम ग्राफिक्स बोलते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट क्या होते हैं? रिपोर्ट एक मशीन होती है, ठीक है, ये प्रोग्राम, ये भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्रामिंग की आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगी क्योंकि आपकी ये फर्स्ट बुक है जिसमें इंट्रोडक्शन अभी कंप्यूटर चल रहा है, तो प्रोग्रामिंग कोडिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो आप कोडिंग करते हैं, कोडिंग के ज़रिए ही हर चीज़ बनती है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सब प्रोग्रामिंग के ज़रिए चल रही हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता जो प्रोग्रामिंग के बगैर चल रहा हो। आपके कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग में चल रहा होता है। तो रोबोट जो होती हैं ना, ये मशीन होते हैं जिनके अंदर ना प्रोग्रामिंग की होती है, और ये मुख्तलिफ चीज़ें इनसे परफॉर्म करते हैं रोबोट के ज़रिए। ये जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आगे बड़े बड़े टॉपिक्स में आने वाली हैं फुल डिटेल के साथ, तो हम वहाँ पे कवर करेंगे, इसलिए छोटे से इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके हम डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन कौन सी हैं, ठीक है, जहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है या कहाँ कहाँ कंप्यूटर साइंस यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पावर कार्मिक, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर, यानी कि हर चीज़ में प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप एक फैक्ट्री के मुलाजम हैं तो वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, वहाँ पर जो मशीनें चल रही हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ में प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, कंप्यूटर साइंस यूज़ हो रही होती है। लोकल जॉब मार्केट की बात की जाए तो सबसे, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो रिसेंटली हमारे पास जॉब्स आई थी, तो उनमें से आप देख सकते हैं कि 830 जॉब सिर्फ सॉफ्टवेयर और वेब डिज़ाइनिंग के लिए थी, ठीक है। और इसके बाद आप देख लें, मार्केटिंग भी कंप्यूटर में आती है, क्रिएटिव डिज़ाइन भी कंप्यूटर में आ रहा होता है, और भी इसमें ये इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हो सकता है दूसरी भी कोई हो, लेकिन ये भी कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये भी अब कंप्यूटर साइंस में आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं ना, वो कंप्यूटर के होते हैं।
बाकी आप देख लें जो डॉक्टर इंजीनियरिंग दूसरी जो होती हैं सिविल इंजीनियरिंग, उनकी आप देखें बहुत कम आपको मिलेंगी, लेकिन सॉफ्टवेयर की देखें सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर चीज़ में इंटरनेशनल की बात की जाए तो इंटरनेशनल में हमारे पास जॉब हमें कहाँ पर मिल सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल सकती है, ठीक है, डाटा साइंस जो बना रहे होते हैं उनमें मिलती है, और बैकएंड फ्रंटेंड होता है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि बैकएंड डेवलपर कौन सा होता है, फ्रंटेंड डेवलपर कौन सा होता है। बैकएंड जो होता है ना वो पीछे का जरिए कनेक्शन का काम करा होता है, जो फ्रंटेंड होता है ना वो सामने वाला डिज़ाइनिंग का काम करा होता है, यूआई डिज़ाइनर होता है, फुल स्टॉक डिज़ाइन इंजीनियर होता है, आईटी मैनेजर होता है, तो बहुत सी जॉब्स हैं इसकी। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ठीक है कि आप कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है या इसकी स्कोप क्या है, तो आप इनमें से दो तीन आएंगे तो आप दो तीन अपनी मर्जी से जहाँ पर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है आप लिख सकते हैं। दूसरे मॉड्यूल है हमारे पास जहाँ पे हम ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, यहाँ पर ये सारी डिटेल जो फर्स्ट दो तीन मॉड्यूल्स है ना, ये बस इनमें यही बताया गया कि डिटेल आपको आगे मिलेगी, तो आगे जाके आपको सारी डिटेल मिलने वाली है, यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, वही चीज़ है कि यहाँ पे हम कवर करेंगे ये चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाटा स्टोरेज क्या होता है कि जब आप कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो डाटा को स्टोर कर ले, तो इसी चीज़ को डाटा स्टोरेज कहते हैं। डाटा मैनिपुलेशन, जहाँ अगर आपने प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीपल करना है तो उस चीज़ को हम डाटा मैनिपुलेशन बोल रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको करने की, आगे हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेन मेन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज़ कर रहे होते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 है, यहाँ पे हमारे पास है सर्च इंजन्स। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च किन चीज़ों पे कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज आपके पास हैं, कौन सी ऐप्स हैं आपके, वेबसाइट हैं आपके पास, तो बहुत सी मशहूर हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, गूगल देख लें, गूगल होती है हमारे पास, याहू पे कर सकते हैं, एमसीएन पे कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं, क्रोम के ऊपर कर सकते हैं, बहुत सी हैं जो आपकी मर्जी है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90% लोग सिर्फ गूगल को यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेरी क्या होती है, क्वेरी जब आप कोई भी चीज़ गूगल के ऊपर लिखते हैं तो आप अब यूट्यूब के ऊपर लिख रहे हैं तो वो पहले से आपको सजेशन देता है, वो सजेशन नहीं दे रहा होता, आपने एक चीज़ लिखा, कोई भी ड्रामा सीरियल को कोई एपिसोड आता है आप अभी लिखते हैं तो वो नीचे उसके सारे टैग्स आ जाते हैं कि आपने ये सर्च करना है, ये सर्च करना है, तो इसी चीज़ को क्वेरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हुए भी यानी कि सर्च कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। मॉड्यूल नंबर 4 की बात की जाए तो वेदर सर्चिंग, आप वेदर को सर्च करेंगे, आप अभी लिखेंगे वेदर, अगर आपकी लोकेशन आना है तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी लोकेशन का वेदर बता देगा। अब ये भी एल्गोरिथम है कि वो डायरेक्टली आप ही की लोकेशन का क्यों बता रहा है, वो अमेरिका का क्यों नहीं बता देता, तो एक एल्गोरिथम कोडिंग इसमें यूज़ होती है जो स्पेसिफिक एरिया के लिए की होती है। नेक्स्ट हम अपने अगर आप ये देखें आप सिर्फ 12 × 3 9 1 अगर आप लिख दें गूगल के ऊपर तो आपको वो आंसर दे देगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटिंग का काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप करेंसी को भी कर सकते हैं, जैसे आप वैसे ही लिख दें 100 यूरो टू पी के आर तो आपको वो वैसे ही बता देगा जल्दी से, वो आपको बता देगा कि आप कितने रुपीज़ बनते हैं, तो ये सारी चीज़ पर। इसके अलावा आप किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर्स में, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 5 में है कि आप सोशल मीडिया को भी यानी कि अगर आप गूगल यूज़ करें तो अगर आप एक टैग देते हैं, ये वाला टैग जो दे रहे होते हैं, ठीक है, अगर ये आप 7 दे देते हैं किसी भी का, अगर आप 7 लिख देते हैं, कोई भी सर्च करते हैं 7 ये लिखते हैं तो आपको वो प्लेटफॉर्म आपका सामने आ जाएगा। अगर आप ट्विटर लिख देते हैं तो गूगल के ऊपर ही आपके सामने ट्विटर के भी रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हैशटैग्स होते हैं, ये भी वही चीज़ है, आप हैशटैग लगा के एजुकेशन को करेंगे तो आपके पास हैशटैग जितने भी ट्विटर के ऊपर होंगे या इंस्टाग्राम के ऊपर होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको वैसे भी ये सारी चीज़ें होंगी तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत इजी बुक है, यहाँ पे इसमें ऐसी ही चीज़ें हैं। यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 6 में है सर्च ऑपरेटर, यहाँ पे सर्च करने के लिए हम एंड और आर को यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ तो हमें ये चीज़ सर्च करनी है या ये चीज़ सर्च करनी है, आप अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट को भी कर लेते हैं, जैसे हमने आप कोई या हमारा कुछ भी करना होता है तो हम डायरेक्ट गूगल पर लिख देते हैं ना virtualuniversity.com तो और डायरेक्ट हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 7, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यूजिंग द ऑपरेटर, हम यहाँ पे ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेटर को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका आपको ट्रेंडिंग का रिजल्ट मिल जाता है,
तो यहाँ पे अगर हम मैप ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप गूगल पे सर्च करें मैप, उसके बाद सेमी कोलन लगा के लाहौर लिखें तो आपको डायरेक्टली लाहौर का मैप मिल जाएगा। इस तरीके से मूवी है, आप मूवी लिखें, स्टेप जॉब्स लिखें तो आपको वो मूवी डायरेक्टली आ जाएगी। आप कोई भी वेबसाइट को, फूड पांडा जैसे हो गया, आप ये वेबसाइट लिखेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएंगी चीज़ें। आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप डिफाइन लिखेंगे, सेमी कॉलन लिखेंगे, कंप्यूटर, तो आपके सामने डेफिनेशन आ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें, इमेजेस भी आप दे सकते हैं और ऐसी और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आगे आता है हमारे पास एडवांस सर्च ऑपरेटर्स। टाइटल की बात हो रही है यहाँ पे, टाइटल का क्या मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ का कंपैरिजन करना चाह रहे हो तो आप लिखेंगे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, तो आपके सामने इन टाइटल्स आता है, आप लिखेंगे ना, और इसके बाद सेमीकोलन के बाद आप इस तरीके से लिख देंगे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, किसी भी चीज़ का आप कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आपके सामने वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इन यूआरएल और आल यूआरएल होता है। इन यूआरएल आप लिखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तो आपके सामने इसका यूआरएल सामने आपके आ जाएगा, और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आप कौन कौन सी चीज़ें नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते, और आप क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह यही है गूगल एड्स। जिस तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं तो हमें अर्निंग होती है, तो हमारा इस हमने गूगल एड्स को मोनिटाइज किया होता है चैनल के ऊपर, तो गूगल का जो एड है ना वो आपकी जो चीज़ आप सर्च करते हैं, आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो लोकेशन है, इस चीज़ के ऊपर आपको गूगल आपकी वीडियो के ऊपर ऐड चलाता है या आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाता है। अगर आप कोई गलत चीज़ें वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो ऐड नहीं चलाएगा, ऐड नहीं चलाएगा तो यूट्यूब को पता चल जाएगा, गूगल को पता चल जाएगा कि ये चीज़ रॉन्ग है, तो इसी वजह से हम नहीं करते। दूसरी बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की, सिक्योरिटी एजेंसीज भी आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं सर्च करने देती, अगर आप करेंगे तो आपके बाहर भी मसला आपको भी होगा। तो वही चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल वायरस की वजह से भी नहीं आप कर सकते, जैसे हम नेट से डाउनलोड करते हैं ना फ्री म्यूज़िक, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके अंदर वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अवॉइड एड्स, डेंजरस टू सर्च, कौन कौन सी चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे। जैसे आप अगर सर्च करें प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, आपको नहीं सर्च करना चाहिए, बॉम्ब का वर्ड यूज़ हो रहा है। अटैक्स के बारे में नहीं करना आपको, सुसाइड्स के बारे में आपको सर्च नहीं करना, किलर के बारे में, अनरोल के बारे में सर्च नहीं करना, किलिंग एनिमल्स जानवरों के कत्ल के बारे में भी करना, जहर के बारे में नहीं करना, कत्ल के बारे में भी नहीं करना, मेडिकल सिम्टम्स के बारे में भी नहीं करना, ठीक है, हाउ टू मेक कंप्यूटर वायरस, ऐसी चीज़ें भी आपको सर्च नहीं करनी, हैकिंग, रिलीजियस, अबाउट पॉलिटिक्स, ऐसी कोई भी चीज़ें आपको नेट के ऊपर सर्च नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आपको सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से आपको मसला हो सकता है, क्योंकि ये साइबर क्राइम के में आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके ऐड नहीं होंगे, चलेंगे। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फ्री म्यूज़िक, यहाँ पर जो आपके हैकर्स आपके कंप्यूटर पे अटैक करते हैं वो आप ही की वजह से करते हैं, आप फ्री म्यूज़िक कर देते हैं, उनका वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर ऐड हो जाता है, आपका डाटा उनके पास शो हो जाता है, तो इसी तरीके से आपकी चीज़ें हैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 10 है, यहाँ पे हम रूल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। अबाकस, सबसे पहले अबाकस का रूल जो है यूज़ होता था हमारे कंप्यूटर में, जो सबसे पहले चाइना यूज़ करता था, और कहा जाता है कि ग्रीक और रोमन वाले लोग भी इस रूल को चूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये चीज़ें ऐसी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमारे पास एक सिर्फ एब्रीविएशन है ENIAC का, तो इसका एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है, बस ये आपने इसमें याद करना है। तो ये थी गाइज हमारा लेक्चर 1 से लेकर 10 मॉड्यूल्स जो हमने कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।